ये कोई दहशत मेहरबानी करके हमको डेड बॉडी दीजिए, हम सबको बोलते हैं हमको डेड बॉडी दीजिए, मेहरबानी बाकी कुछ नहीं। हमको ये शौक नहीं है, हम टीवी पे आएंगे ये आएगी, लेकिन आज हमको पूरा यकीन हो गया, बेगुनाहों को मारा, बेगुनाहों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारे। अब ये रिक्वेस्ट है हमारा, हमको दे दो। ये बिजनेसमैन था, इसका ऑफिस मेन रोड बाईपास पे है। मैं सिस्टर हूँ, मेरे बड़े भाई थे। तफसील से बताएं क्या किस विक्टिम के? वो घर सुबह घर से निकले हैं, ऑफिस उनका ऑफिस था वहाँ पर, शाम को डॉक्टर मुदस्सिर वहाँ पर। जब शाम को हमने उनको फोन किया, जब एनकाउंटर स्टार्ट हो गया तो उनका फोन स्विच ऑफ, उसके बाद परेशान हो गए। उनका क्लिनिक है वहाँ पर? जी नहीं, उनको वो करते हैं, उसके साथ बिजनेस करते हैं साथ ही, उनका ऑफिस वही था। फिर नहीं पता उसके बाद हमें क्या। आपकी बात कब हुई थी लास्ट? जी हमने सुबह ही देखा था, कल सुबह घर से नाश्ता करके निकले थे, पता नहीं फिर शाम को। हमें बस हमें डेड बॉडी चाहिए, अब हमें क्या हो गया, उसके साथ क्या किया, बेगुनाह मारा उसको, बेगुनाह मारा उसके छोटे बच्चे, बस हमें डेड बॉडी चाहिए और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए, डेड बॉडी हमें चाहिए। कितने अरसे से ये दिल्ली में थे? ये अक्सर दिल्ली में ही होते थे, बीच बीच में यहाँ आते थे, ज़्यादा परसों ही ये जम्मू से आए, एक दिन उनको हो गया जम्मू से आए। तो कितने बच्चे